हेलो एवरीवन, जय श्री गणेश। वक्त के साथ उनका प्यार आपके लिए बढ़ता ही जा रहा है। उन्हें पता है, उन्हें जो आप रियलाइज हो रहा है वो उन्हें बहुत पहले रियलाइज कर लेना चाहिए था, पर अब वो क्या करें, उन्हें बहुत तकलीफ हो रही है आपसे दूर रहकर। जैसे जैसे आप दोनों के नो कॉन्टेक्ट को टाइम होता गया, उनका प्यार आपके लिए और स्ट्रांग होता जा रहा है। उन्हें आपसे एक चांस और चाहिए, एक लास्ट चांस। वो आपको वादा करते हैं कि वो अब चीजें रिपीट नहीं करेंगे। उनको आपसे सच्ची मोहब्बत हो गई है, उन्हें पता है आप स्ट्रांग हो। अगर आप उन्हें माफ नहीं करना चाहोगे तो आप माफ नहीं भी कर सकते हो, इसीलिए वो डर भी रहे हैं आपको खोने से। वजह से उन्हें प्यार फिर से हुआ था, वरना वो इतने पत्थर दिल हो गए थे कि प्यार खेल हो गया था उनके लिए। ये आप थे जिनके एक झलक से ही उन्हें प्यार हो गया था। वो आपको खो नहीं सकते, आपके साथ रहना उनका सपना था, आपसे शादी करना उनकी विश थी। उनका दिल उनसे बार बार आपके चाहत कर रहा है, आई लव यू कहने को तरस रहा है। आप उनके दिल की वो प्यास बन चुके हो जिसको वो खुद कुछ भी कर ले नहीं शांत कर सकते। उन्हें आपके पास गिड़गिड़ाकर आना पड़ेगा, वरना वो किसी काम के नहीं रहेंगे। वो आपको अपना सोलमेट मानने लगे हैं। विश्वास है कि आप उन्हें एक्सेप्ट कर लोगे, क्योंकि उनका दिल कहता है उन्हें कि आप भी वैसे ही तरस रहे हो जैसे वो तड़प रहे हैं आपके लिए। उन्हें अपने प्यार पे भरोसा है कि अगर आपने उनके प्यार को कभी भी फील किया है तो आप उन्हें माफ कर दोगे। वो आपको सॉरी बोलने आ रहे हैं, उन्हें गिल्ट है कि उनकी वजह से आप इतना सफर किए हो।
उनका ईगो आपके प्यार के आगे हार चुका है। आपका हार्ट इतना प्योर है कि वो अपने आप को आपके आगे बहुत छोटा समझ रहे हैं। उनकी लाइफ में आपके सिवा कोई और नहीं है, वो सिर्फ आपसे अट्रैक्टेड हैं और सिर्फ आपकी तरफ ही उनका दिल झुकता है। आपके लिए उन्होंने बहुत प्रेयर्स किए थे तब उन्हें आप मिले थे, और अब आप कंप्लीटली उनके हो गए हो तो वो आपको खो रहे हैं। किसी के दिल में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कभी कभी खुद को उनको ही नहीं पता होता। आप उन्हें आज तक जितने भी ऑपोजिट सेक्स से वो मिले थे उनमें सबसे ब्यूटीफुल लगते थे। आपका दिल भी ब्यूटीफुल था और आप उन्हें फिजिकली भी बहुत अट्रैक्ट करते थे। वो बहुत जल्द आपको कांटेक्ट करेंगे, हो सकता है आज ही कांटेक्ट करें। कभी आपको इंटेंशनली हर्ट नहीं करना चाहते थे, वो आपको बहुत प्यार करते हैं। चीजें बुरी हो गई, अब वो कभी आपके बातों को ग्रांटेड नहीं लेंगे। वो आपके बारे में सिर्फ अच्छा सोचते हैं। उनको आपसे और ज्यादा प्यार हो गया है। उनका वक्त बुरा चल रहा है, इसीलिए आप दोनों में दूरियां आई है, वरना वो आपसे अलग कभी भी नहीं होते। थैंक यू सो मच। जय श्री गणेश।